सात से आठ गाड़ियां आपस में टकराई। गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से जो है एक दूसरे के अंदर भिड़त हुई है। सात से आठ गाड़ियों की बताना चाहेंगे कि हवेली के पास इस वक्त हम खड़े हैं, करनाल की हवेली पे, और किस तरीके से जो है यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर होती है गाड़ियों की। गाड़ियों की संख्याएँ आपको बताना चाहेंगे कि आठ गाड़ियाँ थी टोटल, जिनमें से सात जो है बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जिनको कि ले जाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, और किस तरीके से फैमिलीज़ बैठी हुई थी, जी हाँ फैमिलीज़ बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर, और गाड़ी की ये हालत आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुरी और बहुत ही ख़तरनाक हादसा जो है हवेली रेस्टोरेंट के बाहर हुआ है। बहुत ही बड़ी घटना होते होते ज़रूर बची है, क्योंकि बड़ी घटना इसलिए होती होती बची है क्योंकि किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी को जो है बहुत ही बड़ा खतरा हो चुका है। किस तरीके से आठ गाड़ियां थी टोटल, जिनमें से एक सेव है और बाकी सात गाड़ियां डैमेज हो चुकी है टोटली। वॉट्स न्यूज़ पर मेरे अनुसरम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कि आपको बताना चाहेंगे कि आए दिन ऐसे हादसे जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, और ये टोटली आपको अगर बताया जाए तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने की वजह से ये हादसे होते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की वजह से किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा, कोई भी घटना जो है वो घटित नहीं होगी, लेकिन कई लोग जो है काफ़ी जल्दी में होते हैं और जल्दी के चक्कर में बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। जिस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं कि एक एक करके जो है गाड़ियों को यहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन आपको उससे पहले बताना चाहेंगे कि यदि आप भी ड्राइव करते हैं तो आप सेफ ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके साथ चल रहे बहुत सारे लोगों का ख्याल भी आपको ही रखना है। वोट न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपसे अपील करेंगे कि आप लोग प्लीज़ जो है ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और इस वीडियो को भी सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि ये संदेश जो है सभी के पास जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि फोग के दौरान जो है बहुत ही बड़ा हादसा एक बार हाईवे पर हुआ था, नेशनल हाईवे पे करनाल में ही, जिसमें कि बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां थी जो कि आपस में टकराई थी और कई लोग बुरी तरीके से घायल भी हुए थे, लेकिन वो हादसा नेचुरली होना ही था क्योंकि धुंध थी और धुंध की वजह से किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये हादसा जब हुआ तो इस हादसे में आप एक नई चीज़ देखेंगे कि बहुत ही ओवर स्पीडिंग की हुई थी किसी ने, जो सबसे पहले वाली गाड़ी थी, और जैसे ही एकदम से ब्रेक लगा तो बाकी गाड़ियां भी स्पीड से आ रही थी और एक दूसरे के अंदर जो है टकराने लगी, जिसके बाद इन गाड़ियों की हालत काफ़ी गंभीर हो गई है, जिसके बाद इनको ले जाया जा रहा है, रेस्क्यू कर लिया गया है इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हवेली जैसी जगह पर जो है इतना बड़ा हादसा जो है होता है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आए दिन जो है यहाँ से गाड़ियों का आना जाना चला रहता है, क्योंकि काफ़ी फेमस है हवेली करनाल की और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस होता है कि लोग अपने आप को कंट्रोल ना कर सके। लेकिन ड्राइविंग करते वक्त जो है शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, ब्रेक लगी और इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही बड़ी घटना जो है हुई है और इसको अंजाम दिया है एक ड्राइवर ने, जिसने कि ब्रेक लगाया और बाकी गाड़ियां भी ब्रेक की वजह से जो है डैमेज हो गई, और डैमेज इतनी गंदी तरीके से हुए हैं जिसकी हालत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी गंभीर अवस्था में जो है गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, इनको ले जाया जाएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर आईओ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस घटना को अंजाम किस तरह से दिया गया है। गाड़ी टकरा रही है, गाड़ी टकराने का कारण आपकी किसी गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है अचानक से। कितनी गाड़ियां थी सर? ये आठ गाड़ियां थी। चोट भी लगी है किसी को? जान नहीं, किसी को कोई इंजरी नहीं है। आगे अचानक से ब्रेक लगाने के कारण आपस में टकरा गए। सर सभी में परिवार जा रहे थे जनता से, क्योंकि ट्रैफिक फॉलो नहीं करते मैडम, डिस्टेंस बना के नहीं चलते, अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, इस वजह से। अपील यही करेंगे गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस रखो, सीट भी छोटे करो, सीट बेल्ट लगाओ। गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं पूरी तरीके से? सारी गाड़ियाँ सारी डैमेज हैं, कुछ गाड़ियाँ खाने में चली गई हैं। कितने बजे बताएं? तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर मौजूद ऑफिसर्स ने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि एक गाड़ी में ब्रेक लगने की वजह से बाकी गाड़ियाँ भी आपस में टकराई और आपसी टकराव के बाद जो है इतना बड़ा हादसा नेशनल हाईवे के पास
हो गया और बहुत ही बड़ी बात हो जाती है एक गाड़ी को कैरी करना, क्योंकि गाड़ी में जो है काफ़ी खर्चा आता है। और आप भी इस तरह के हादसों से बचें, इसलिए दूरी बनाकर गाड़ी को चलाएं ताकि अगर किसी का ब्रेक भी लगे तब भी आप सेफ रह सकें। और बहुत ही जल्दी होती है कई लोगों को, लेकिन जल्दबाजी में अपना और अपने साथ में चल रहे लोगों का नुकसान ना करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपने साथ साथ अपने बाकी के जितने भी लोग आपके साथ चलते हैं उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आप दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। तो वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये मैसेज सभी तक पहुंचे और किसी के साथ भी इस तरह का बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि जान बची है लेकिन बार बार जो है जान नहीं बचेगी। और किसी तरीके से भी ये हादसा दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही इस तरह के रूल को अनफॉलो करने वाले लोग होने चाहिए। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।